अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन है ऐड एंड राइट इन दी बॉक्स। ठीक है, आपने ऐड के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखें, पिक्चर देखें, फ्लावर बने हुए हैं। ठीक है, टू लेफ्ट साइड पे है और टू राइट साइड पे है। बॉक्स में आपने देखना है, देखें इस बॉक्स में लेफ्ट साइड पे टू लिखा हुआ है, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर राइट साइड पे टू लिखा हुआ है इज इक्वल फोर। तो अब ये देखना है कि ये फोर आंसर कैसे आया। ठीक है, आपने लेफ्ट साइड पे ऐसे टू लाइंस लगा लेनी है और राइट साइड पे भी ऐसे टू लाइंस लगा लेनी है और फिर इसको काउंटिंग पढ़ लेनी है, वन टू थ्री फोर, फिर ये क्या आंसर आ जाएगा, फोर। ठीक है, इसी तरह आपने देखना है क्वेश्चन नंबर सी देखना है। देखें लेफ्ट साइड पे कितने आंसर हैं, फोर, आपने फोर ऐसे लाइन लगा लेनी है, वन टू थ्री फोर। राइट साइड पे देखना है कितने आंट है, वन। ठीक है, अब आपने इसको काउंट कर लेना है, वन टू थ्री फोर और फिर फोर के बाद फाइव। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, फाइव। आपने बच्चों आपने फिर ये सारा खुद ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी ऐड के क्वेश्चन करवाए थे, आई होप कि आपने उन्हें किए होंगे और अब आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आ गए होंगे। आपने ये भी क्वेश्चन उसी तरह करने हैं और ये आप देख लें पूरा पेज। ठीक है, आपने अपनी नीट कॉपी लेनी है, नीट कॉपी पे ऐसे एच डब्ल्यू लिख के आपने पिक्चर नहीं बनानी, ऐसे बॉक्स बनाकर टू लिखना है इसके अंदर, फिर आपने प्लस का साइन लगाना है, फिर आपने देखना है उधर क्या है, टू लिखा हुआ है, टू लिखना है इज इक्वल। इसको कैसे सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड पे बॉक्स में देखें टू है, ऐसे आपने टू लाइंस लगा लेनी है, फिर राइट साइड पे देखना है, फिर आपने ऐसे टू लाइंस लगा लेनी है, इसको काउंट कर लेना है, वन टू थ्री फोर। तो इस बॉक्स में क्या आंसर आएगा, फोर। आपने ये पूरा पेज ऐसे कॉपी पे होमवर्क करना है। ठीक है, ये आपका आज का काम है।